बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन में। तो मेरा यहाँ आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ जी आलू के बंद कबाब बनाना। ये बहुत इजी सी बनने वाली रेसिपी है। इसके लिए हमें उबले हुए आलू चाहिए। ये मैंने प्याज और हरी मिर्च इसमें काट के डाल दी थी। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया ज़ीरा। लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1 टेबल स्पून। हाफ़ टी स्पून डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर। 1 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें नमक, और 4 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। और अब हम लोग इसको अच्छे से गूँध लेंगे, हाथों की मदद से मैश कर लेंगे। हरा धनिया डाल देंगे और अब हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। टिक्कियाँ हमारी अच्छे से बन चुकी हैं। अब हम इनको एक पैन लेंगे, इसके ऊपर ऑयल डालेंगे, टिक्कियों को डाल देंगे और इनको तलते जाएंगे। जब एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो अब हम इनको दूसरी साइड से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये आलू की टिक्कियाँ हमने बहुत ही अच्छे से तल ली हैं। और अब हम खाऊंगी मायोनीज। इसके लिए हमें एक अंडा चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए ब्लेंडर जूसर। इसमें मैंने अंडा डाल दिया है 1 टेबल स्पून। इसमें डाल देंगे सिरका, 1 पिंच डाल देंगे इसमें नमक। ब्लेंडर जूसर को हम लोग स्टार्ट कर लेंगे और अब हम इसको ढक्कन खोल लेंगे और इसमें 1/2 कप तकरीबन मेरे पास है ऑयल। अब हम इस ऑयल को ब्लेंडर जूसर को हमने स्टार्ट किया हुआ है, ऑयल को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएँगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएँगे और हमारा मायोनीज बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। ये देखें जी, बहुत ही अच्छा गाढ़ा, बिल्कुल बाजार जैसा बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक पैन में निकाल लेते हैं, एक बाउल में। ये देखें जी, बहुत ही अच्छा और बिल्कुल बाजार जैसा मायोनीज हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब हम ये जो हमारे पास बन है, हमने इनको हाफ़ कर लिया था और अब हम इनको थोड़ा सा सेंक लेंगे ये तवे के ऊपर, इनके बॉटम को भी और को भी इस तरीके से। और अब हम इनकी साइड को चेंज कर लेंगे। ये हमारे पास है जी मायोनीज, केचप, ये बंद हमारे पास तले हुए, और ये मेरे पास है शिमला मिर्च बारीक कटी हुई और बंद गोभी बारीक कटी हुई। अब हम इनको मायोनीज में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बंद के ऊपर लगा देंगे। ये बंद के बॉटम है, इसके ऊपर हम लोग अच्छे से लगा देंगे मायोनीज़ में शिमला मिर्च और बंद गोभी डाली हुई। इस तरीके से लगा देंगे, थोड़ा थोड़ा करके लगाते जाएंगे। ये देखिए जी, हमने तमाम के तमाम बंस के ऊपर इस तरीके से लगा दिए और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे। आप लोगों को जो चाहे पसंद हो आप लोग डाल सकते हैं। ये देखें जी, अब हमने तमाम के तमाम बंस के ऊपर प्याज को इस तरीके से डाल देना है और अब हम इसके ऊपर ये आलू की टिक्कियां रख देंगे इस तरीके से। आप लोग भी इस तरीके से बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। और अब हम इसके ऊपर डालते जाएंगे टमाटर, गोल कटे हुए टमाटर डाल देंगे। ये देखें जी, अब हमने टमाटरों को डाल दिया इसके ऊपर और अब ये मेरे पास है जी केचप। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर केचप डालते जाएंगे और उसके ऊपर अब हम दोबारा से बन को ऊपर वाला हिस्सा जो है हम रख देंगे। बहुत ही अच्छी और झटपट सी बनने वाली रेसिपी, आप लोग इस तरीके से बनाएं, एंजॉय करें। ये देखें जी, इस तरीके से हम लोग ढक देंगे और फिर मैं आपको इस काट कर इसकी फाइनल लुक भी बताऊंगी। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। हमारे बहुत ही अच्छे बंद कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। आप लोग इस तरीके से बनाएं, एंजॉय करें। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। और अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।